हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन। कटी मुकाम में रहते थे तो कैसा जीवन था उसमें आपका? उसमें बेदीज करना बहुत मुश्किल था। बरसात के दिन में घुसने का खतरा हो चुका था। पूरी संभावना बनी। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपको विकास खंड लंबा गांव की ग्राम पंचायत दगो के पूर्ण चंद से मिलाएंगे। विकास खंड लंबा गांव की ग्राम पंचायत दगो के रहने वाले पूर्ण चंद ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान मिला। इससे पहले वह एक कच्चे मकान में रहते थे और उनका जीवन कष्टदायक था। बरसात के दिनों में पानी घर के अंदर गिरता था और मकान के गिरने का भी खतरा हर समय बना रहता था। पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। पूर्ण चंद ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान मुहैया करवाया और आज वे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पूर्ण चंद से और सुनते हैं उनकी जुबानी। आपका पूर्ण चंद सानोपिक बलवीर मिल सिंह गांव बटा खंड दो तहसील जितिनपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ब्लॉक लंबा गांव। अच्छा पूर्णचंद जी, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं, आपको पक्का मकान स्वीकृत हुआ, कैसे पता चला? कुछ एज पंचायत ने मैंने बताया, कुछ हमें ऐसे थोड़ा मतलब नॉलेज था जिसके कारण हमने कार्रवाई की। उसके बाद ग्राम पंचायत वो जिन्होंने हमें मकान दबाया जो बेचारे सब्जी हुआ और पैसा मिले और हमने उसको डालना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे पहले कैसे मकान में रहते थे आप? कच्ची मकान में रहते थे। तो कैसा जीवन था उसमें आपका? उसमें बेदीज करना बहुत मुश्किल था। बरसात के दिन में घुसने का खतरा हो चुका था। पूरी संभावना बनी हुई। अच्छा, तो ये जो पक्का मकान मिला आपको, इसके बाद आपके जीवन में आया कुछ बदलाव? हाँ, बदलाव आया, क्योंकि बदलाव इसलिए आया कि अब गिरने का कोई खतरा तो है नहीं। पक्का मकान हो गया, आराम से रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, प्रशासन के बारे में कहना चाहेंगे कुछ? प्रशासन के बारे में हम ये कहते हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायत को का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें मकान दिलवाया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने लोगों के लिए गरीब वर्ग के लिए बहुत प्रशासन किया है। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले।